गाइस कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। चलो पाल तुम का दरवाजा खोल दो। रुद्रांश ना दरवाजा नहीं खोल पाता, उसको बात वॉशरूम लगी होगी ना। बाय मामा। बाय। तो हेलो दोस्तों, जहाँ हम कल गए थे ना इनकी कजन सिस्टर के घर, तो उनका ना अभी जस्ट अभी बेबी हुआ है। उस हॉस्पिटल का नाम है मेट्रो हॉस्पिटल, जो कि उनके घर के बिल्कुल पास है। और वो उन्होंने जैसे ही सुना तो मतलब एक्साइटेड होके अभी कभी निकल गए, और हम नहीं गए क्योंकि देवांशी और रुद्रांश है मेरे साथ, तो मैं नहीं गई। मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उनका बेबी हेल्दी और बिल्कुल बहुत ही स्वीट है। बेबू अच्छी। और आज ना मेरा भाई भी आ रहा है, छोटा वाला, यहाँ। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब वो थोड़ा कुछ कोर्स वोर्स करेगा, जो उसका मन करेगा वो करेगा। वो मामा तो आ रहा है। बाद में आपको दिखाऊंगी जब वो आ जाएगा। चमचे वाला मामा आ रहा है। रुद्रांश बोला चश्मे वाला, क्योंकि मेरा भाई चश्मा पहनता, तो वो बोल रहा है कि चश्मे वाला मामा आ रहा है मेरा। हेलो रोदो, अभी देखो मम्मी पापा से बात कर लिया। हेलो देवू, देखो ये पापा का चार्जर। तो अभी मेरा भाई आया है और काफ़ी टाइम हो गया, शाम के 6:30 हो गए। और मुझे ना अभी सब्जी लेने भी जाना है, क्योंकि अभी वहाँ से आए नहीं है जहाँ जा रखे हैं। तो मैं सब्जी लेने जा रही हूँ और फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी, और तब देखते हैं वो कब आते हैं। मम्मी चिकन लाना, चिकन। अच्छा, हेलो देवू। मैं सोच रहा था ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, लेकिन चलो बना ही देता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पर हम कल गए थे ना सिस्टर के घर पे, कजन सिस्टर, वहीं जा रहा हूँ मैं। मेट्रो हॉस्पिटल, उनका बेबी हुआ है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल ही हम गए थे और आज उनका बेबी हुआ है। दोस्तों मैंने ओला बाइक की थी और मुझे स्कूटी मिली, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा स्कूटी भी आती है ओला में। मुझे सेक्टर 11 के मेट्रो हॉस्पिटल में जाना है, एक तो पीछे था ना। मैं मेट्रो हॉस्पिटल पहुंच चुका हूं और अभी दीदी का वेट कर रहा हूं। इन्हीं की छोटी बहन है जिनका बेबी हुआ है, और बेबी गर्ल बॉय ये बाद में हम बताएंगे। फाइनली वेटिंग रूम में 4-5 घंटे वेट करने के बाद हम गए छोटे से बेबी से मिलने के लिए, और हम सब बहुत एक्साइटेड थे। कैसा लग रहा सर? तुम लोगों ने क्या कंप्यूटराइज बच्चा दे रखा उसको? फाइनली मैं यहाँ पर मिल रहा हूँ, क्या बोलना मुझे समझ नहीं आ। फाइनली 3-4 घंटे बाद मिलने का मौका मिला है सालू से। बेबी कहाँ है? मेरी जिठ्ठा जो है बहुत बार नानी बन चुकी है, लेकिन सालू के बेबी की नानी फर्स्ट टाइम बनी है ना। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कहना चाहते हो? नहीं, हमको बड़ी खुशी है बस। हम तो भाई भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी जान छूट गई। हाँ, बच्चा हो गया हमारा। ओह गॉड, दोस्तों ये है मेरी जिठ्ठा, मतलब मेरी मम्मी की बड़ी बहन। तो कैसा लग रहा है नानी बनके? बहुत खुश है, मतलब मेरी जिठ्ठी है और मेरी जिठ्ठी की लड़की है सालू, बहुत खुश हो रहा हूँ। बहुत के भले छजे रे ना के की ना थुली। ये हमारी बेबी गर्ल है ना, ये है सालू की बड़ी दीदी, और एक और दीदी है वो कहीं और है, और ये है प्रीत पंजाब की। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखिया। धन्यवाद मुझे दादी बनाने के लिए, वही मेरा प्यारा बच्चा आ गया। तुकी न थोली के भली बेबी गर्ल की दादी, बेबी गर्ल के पापा, कांग्रेचुलेशन जय जी। कैसा लग रहा है? लगेगा भाई। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। ये देखो दादी ने चुपके चुपके से स्वेटर भी बना दी, बहुत क्यूट लग रही है। पापा जी शर्मा रहे। मम्मी पापा और परी। बहुत अच्छा लग रहा है, और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं वरना डॉक्टर आके भगा देंगे। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ शब्द नहीं है, मतलब क्या कहूँ मैं।
मैं एक बार फिर बता दूं, जो मेरी जेठी है ना, मेरी मम्मी की बड़ी सिस्टर है, इसलिए फेस मिलता है। देवांशी, वाह, कब आया तू? मामा, मामा तो बार बार मोबाइल देख रहा है। पापा, आपने मेरा वाला चॉकलेट क्यों खाया? अरे मैंने नहीं खाया। खाया? किसने बताया? मम्मी ने। मैंने नहीं खाया। खाया? अरे क्यों खाऊंगा मैं? हेलो दोस्तों, न्यू डे न्यू लाइफ है ना, तो नया ब्लॉग। आ जाओ दोस्तों, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये मैं अपनी कजन सिस्टर के घर से लेके आया हूँ। ये देखो, गलत मत समझना, ये बोतल मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सालू को बोला यार इसको फेंकना मत, है ना। देखो इसमें लिखा है मंकी शोल्डर द ओरिजिनल, और ये काफ़ी अच्छी बोतल है, इसका ढक्कन भी बड़ा अच्छा है। तो मैं इसको ना पानी पीने के लिए यूज़ करूँगा और इसको साफ़ कर देता हूँ। वैसे ऑलरेडी साफ़ है ये, बट मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो सही है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। लोग इससे हुस्की पीते हैं। हाँ? और आप पानी पीना। बिल्कुल, है ना। हुस्की? 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 वैसे इसका प्राइस क्या होगा? दादी, मेरा छोटा वाला मामा भी दिल्ली में आ गया। अच्छा, ये देखो रोहित भी आ चुका है, राशि का छोटा भाई, पढ़ने के। सो होप की पढ़ाई होगी ना, जम के। हाँ? ये जम के चैट होगी ना, पढ़ाई ज्यादा चैट कम। चलो। अरे वाह पापा, दोबारा बना रहा। नहीं भैया, मेरे बसक नहीं। दोबारा बना, मेरे बसक नहीं। पहले क्यों बनाए थे? ना दादा, मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। ठीक है। चिंटू रोटी खा रहा होता है। हा? और मुर्गी को भी खिला रहा होता है। अच्छा। उसके पापा बोलते हैं, अरे भाई ये क्या कर रहा है। अच्छा। चिंटू बोलता है, मैं चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। तो आपको हंसी आई ना? अरे बहुत ज्यादा यार। ये लो आपके लिए पानी की बोतल, मैंने भर दी है। दोस्तों अभी बढ़िया हो गया पानी पीने के लिए ना। आप पता है मार्केट में जो कांच की बोतल होती है ना, बहुत महंगी आती है, निकाल। इसमें बंदर भी बने हुए हैं। दोस्तों बोतल में था क्वार्टर, लेकिन अब मैंने इसमें डाल दिया वाटर। हेलो राजा, आपको आज का ब्लॉग कैसे लगा? बहुत ही मजेदार। आपको कल मिलेंगे हम लोग, क्या लगना। बाय बाय, लव यू। और लाइक और शेयर हमारे ब्लॉग को, लाइक और सब्सक्राइब कर दो रे। क्या हुआ? रेड का रेड वो करो भाग। दीवानसी ऊपर रेड को देख रही है, रोड विलर डॉग है ना ऊपर किसी का। Falling down, falling down, London Bridge is falling.